वॉचमैन, वॉचमैन। क्या हुआ मेम साहब? नीचे मेरा कुछ सामान गिरा है, लाकर दो। नीचे? अरे यही तो तुम्हारे सामने नीचे पड़ा हुआ है, इतना टाइम थोड़ी लगता है। अरे नहीं नहीं मैडम, वो क्या है ना, मैं सीढ़ियों से आया तो इसलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। आगे से ध्यान रखना। हाँ, आगे से ध्यान रखूंगा, ध्यान रखूंगा। अबे यहाँ क्या कर रहा है अकेले अकेले? मैं पूरा गांव ढूंढ के आ गया तुझे, और तू आज फिर यहाँ है? अबे इतना क्यों उदास हो रहा है, बता तो क्या बात है? कुछ नहीं हुआ यार, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हमको ऊंचा ही यार। अरे यार फिर तो तू चल मेरे साथ मुंबई, वहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती है, तन की, मन की और धन की। हमको भी ले चलना बंबई भाई। ठीक है भाई, भाई, भाई। हमको भी ले चलेगा ना? हाँ हाँ चला जा। सब इच्छा पूरा होता है हा? तन का, मन का, धन का। अरे वॉचमैन, पानी नहीं भरा अभी तक। आया मैम साहब। क्या बोल रहा था तू? यहाँ बहुत कुछ मिलेगा भाई, यहाँ मुझे कोई भाव भी नहीं देता, पूरे दिन काम करवाते हैं, मजदूर जैसी हालत हो गई है मेरी। अपनी बराबर की ढूंढ। साइकिल के औकात वालों को साइकिल पे चढ़नी चाहिए और मर्सिडीज के औकात वालों को मर्सिडीज पे, समझा? लाली को देखा है कभी? देशी नशा देती है, देशी नशा। बहुत मेहनत कर रही हो लाली? अरे नहीं नहीं ये तो मेरा रोज का काम है। लेकिन ये फिर भी रोज रोज इतना काम करके तो थक ही जाती होगी। ऐसे थोड़ा ना कोई थकता है। अच्छा थोड़ा अंदर भी सफाई कर दो ना। समझी नहीं मैं, क्या? मेरा मतलब है अंदर भी बहुत कचड़ा हो गया है तो। अच्छा ठीक है, पहले मैं अंदर की कर देती हूँ फिर बाहर की कर दूंगी सफाई। हे भगवान ये तो सच में बहुत गंदा है, हम तो कुछ और ही सोच लिए थे। देखता जा, तू बस यही देखता जा, तेरा भाई ये सारे सपने पूरे करेगा और एक दिन एक दिन साइकिल नहीं मर्सिडीज पे चढ़ेगा, मर्सिडीज पे। अरे यार ये 104 वाले ने आज फिर यहाँ गाड़ी खड़ी कर दी, जबकि मैंने इसको कल ही मना किया था। को मैंने भी कई बार बोला है, समझता नहीं है।
क्या चल रहा है तेरा? क्या ही चलेगा, तूने बोला था मलाई मिलेगी। अबे बुध, ये मिल रहा है बस। अबे अपनी औकात देखा कर, ठीक है? औकात की क्या देखा कर, हाँ। मिलना भी तो चाहिए कोई। मैडम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। लाइए मैं सामान ऊपर छोड़ देता हूँ। नहीं वो अभी तो पहुँच तो गई हूँ मैं, कोई बात नहीं। मैं ऊपर छोड़ देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना वॉचमैन भारी नहीं है, मैं चली जाऊंगी। अच्छा मैडम। वॉचमैन। यस मैम। जल्दी से सिगरेट पैकेट लेकर आओ। मैं लेके आता हूँ ना मैडम जी। नो नो, यही लेके आएगा, जल्दी जाओ, मेरी कैब आने वाली है। ठीक है मैडम, आप बैठिए, मैं अभी लेके आता हूँ। नो आई एम फाइन, यू गो फास्ट। बैठिए ना मैडम जी। नो आई एम फाइन। आ जाओ, मैं बालकनी में हूँ, दरवाजा खुला है। ये लीजिए मैडम आपकी सिगरेट। अरे ये क्या है, वो जो पतली वाली सिगरेट आती है ना, तुमको समझ ही नहीं आता। अरे मैडम उसने गलती से दे दी होगी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? लाइए दीजिए, मैं यो गया और यूं आया। चेंज करके लाओ। नेटवर्क भी नहीं है, कोई है? ओह गॉड, कोई है? डैमन, कोई है? कोई है? कोई है क्या? मैडम वॉचमैन, वॉचमैन लिफ्ट अटक गई है, प्लीज खोलो। हाँ मैडम, प्लीज खोलो। खोलो खोलो प्लीज वॉचमैन, प्लीज ओपन द डोर प्लीज वॉचमैन। खोल रहा हूँ मैं, खोल रहा हूँ, खोल रहा हूँ। प्लीज खोलो लिफ्ट को। हाँ मैं प्लीज चाबी लाया हूँ, चाबी। प्लीज प्लीज ओपन द डोर प्लीज। आइए मैम, आइए आइए। अब नहीं, अरे मैम आइए आइए। अरे मैम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। ये लो। थैंक यू, तुमने मेरी मदद की, वरना पता नहीं मैं कैसे कर पाती। अरे मैडम जी थैंक यू की क्या बात है, ये तो हम चुटकियों में कर देते हैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्ते। ये आपकी सब्जी। मैडम जी वो क्या है ना, ये आपके पैसे बचे थे तो रास्ते से आ रहा था, मुझे ताजे ताजे बैगन दिख गए। बैगन का भरता बहुत अच्छा बनता है, मैं आपके लिए ले आया। मैं बनाऊंगी इसका भरता। थैंक यू जी। मैडम जी क्या हुआ तुम गए? वो मैडम जी क्या है ना, वो हमारी अभी शादी हुई है 6 महीने पहले, तो हमारी पत्नी गांव में रहती है। अब उसको हमने बताया नहीं था कि हम पढ़ना लिखना नहीं जानते, हमने सोचा था हम बाद में बता देंगे, लेकिन हम यहाँ आ गए। अब आज उसका खत आया है, अब हम पढ़ नहीं पा रहे। अब तो अगर आपको ऐतराज ना हो तो आप खत पढ़ देंगी? हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें ऐतराज होने की क्या बात है, आओ ना अंदर आओ, मैं पढ़ देती हूँ। आ जाओ आ जाओ। जी मैडम जी आओ आओ बैठो। नहीं 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 मैडम जी,
अरे बैठो ना, कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं, मैं कहाँ बैठ सकता हूँ यहाँ पे। चलो ठीक है, खत दे दो मुझे। जी जी मैं खत पढूं? जी मैडम जी, पढ़िए ना। मेरे प्राण प्रिय, आपको चरण स्पर्श। हम लोग यहाँ पर कुशल पूर्वक रहकर आपकी कुशलता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। कैसे हैं आप? हर वक्त आपकी याद आती है, घर में सभी आपको याद करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये एक चूड़ी मैंने क्यों भेजी है। आपके जाने के बाद ये चूड़ियां खनक खनक कर आपके बारे में पूछती हैं। मेरे लाख समझाने पर भी ये समझती नहीं, इसीलिए ये चूड़ी भेज रही हूं। इसको समझा कर वापस अपने खत में भेज देना। ये आकर अपने बाकी चूड़ियों को समझा देगी। पता है मेरे हाथों में मेहंदी उस तरह से नहीं रचती अब, जब तुम होते हो तब रचा करती थी। पता है अब मेरी जुल्फों को हवा नहीं उलझती, क्योंकि तुम नहीं हो उन्हें सुलझाने के लिए। अभी मैं गागर लेकर पानी भरने जाती हूँ। पर अब गागर से पानी उस तरह नहीं छलकता। बस अब अपना खत लिखना बंद कर रही हूं। तुम थे तो नींद दूर भागती थी, तुम्हें देखने के लिए अब इसमें नींद आती है, क्योंकि तुम्हें सपने में देख पाती हूँ। ये कलम रुकने का नाम ही नहीं ले रही, सब कुछ बयां कर देना चाहती है। आपके चरणों की दासी। अब ये खत। ये खत पढ़कर ऐसा लगता है कि तुम्हारी बीवी तुमसे बहुत प्यार करती है। जी मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
रवि मेरे भाई, गाली आया तू? अरे यार, अब तो लगता है मेरी सारी मुरादें पूरी हो जाएंगी भाई। अरे ये है मुंबई नगरी है बबुआ, अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होत है का।